दोस्तों, आज तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दर्शकों का मनोरंजन करने वाले अभिनेता घनश्याम नायक उर्फ नट्टू काका का 77 साल की उम्र में निधन हो गया। नट्टू काका की भूमिका निभाने वाले घनश्याम नायक ने लगातार दर्शकों का मनोरंजन किया। नट्टू काका काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। इस बात की जानकारी खुद तारक मेहता के उल्टा चश्मा के निर्माता असीम मोदी ने साझा की। उन्होंने बताया कि नट्टू काका एक लंबे समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। कुछ महीना पहले ही उनके दो ऑपरेशन भी हो चुके थे। लगातार 13 सालों से वे शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा से जुड़े हुए हैं। नट्टू काका की भूमिका निभाने वाले घनश्याम नायक ने हमेशा अपने कॉमेडी और अलग अंदाज से लोगों का खूब मनोरंजन किया है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में उन्होंने जेठालाल के असिस्टेंट नट्टू काका की भूमिका निभाई थी। वो उनकी दुकान में काम किया करते थे और बाघा उनका भांजा था। नट्टू काका के अंग्रेजी बोलने का अंदाज दर्शकों को खूब पसंद आता था। नट्टू काका के निधन की जानकारी तारक मेहता के निर्माता असीम मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की। उन्होंने खबर साझा करते हुए लिखा, हमारे प्यारे नट्टू काका हमारे साथ नहीं रहे, परम कृपालु परमेश्वर उन्हें अपने चरणों में जगह दे और परम शांति प्रदान करे, उनके परिवार को ये दुख सहने की शांति दे। नट्टू काका हम आपको नहीं भूल पाएंगे। सचमुच दोस्तों, हम भी नट्टू काका को भूल नहीं पाएंगे।